आज मैं आपको बताऊंगा आप किस तरह लैपटॉप रीस्टार्ट कर सकते हैं, वो भी पावर यूज़र मेनू के ज़रिए। तो सबसे पहले आपको पावर यूज़र मेनू ओपन करना है विंडोज़ प्लस एक्स की के ज़रिए। तो आपको जो है विंडोज़ ये बटन और एक्स दबाना है। तो मैं विंडोज़ प्लस एक्स, उसके बाद इस तरह ओपन होगा पावर यूज़र मेनू। और यहाँ पर आपको दिखाई देगा शटडाउन और साइन आउट। तो इस पर आकर के आपको जो है क्लिक करना है। यहाँ आपको क्लिक करना है और फिर उसके बाद आपको रीस्टार्ट पर क्लिक कर देना है। तो मैं रीस्टार्ट का बटन दबा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं रीस्टार्टिंग हो रहा है लैपटॉप। लैपटॉप बंद होकर शुरू होगा। आपको कुछ नहीं करना है, शुरू होने तक वेट करना है।